अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो हमने जो ये आज टॉप रेडी किया है, ये 6 to 8 month बेबी का टॉप है और इसके लिए हमने चिकनकारी फैब्रिक यूज़ किया था जो लॉन पे था। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए जो हमने कपड़ा लिया था वो 10 inches थी लेंथ और विड्थ थी 19 inch। अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना चाहते तो आप इसको 12 inches में कट कीजिएगा। मैंने इसलिए इसको 10 inches लिया है क्योंकि जब मैं फोल्ड करती और इलास्टिक लगता तो ये बहुत मोटा हो जाता, क्योंकि ये ऑलरेडी इस पर चिकनकारी हुई थी। तो इसलिए मैंने इसके लिए अलग से सादा कपड़ा लिया था ऊपर फोल्डिंग के लिए। हम इसकी स्ट्रेप की कटिंग कर लेंगे। उसके लिए हमने लेंथ जो ली है वो 9 inches ली है और जो विड्थ है वो 3 inches ली है, और ये मेरे 2 pieces लिए हैं। और अब जो मैंने आपको बताया कि मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, अगर आप एक्स्ट्रा कपड़ा सादा आपका कपड़ा है तो आपने फिर 12 inches को ही इसको कट करना है। तो इस तरीके से ये 1.5 inches इसकी मैंने लेंथ ली है कपड़े की, और विड्थ जो है वो मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ली है जो हमारा 19 inches का फैब्रिक था। तो इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो इसकी जो लेंथ थी अभी 10 inches ये तैयार हो जाएगी और इसके 4 inches के स्ट्रैप हो जाएंगे, तो ये ना 40 inches हो जाएगी। तो इस तरीके से 8 month और 6 month और 10 month के बेबी को ये इजीली आसानी से आ जाती है टॉप इतने साइज़ की। तो हमने दोनों तरफ से नेफा बना लेना है। जिस तरीके से हम लोग बेल्ट में नेफा बनाते हैं, हमने सेम उसी तरीके से इसको नेफा बना लेना है। अब हमने ना इलास्टिक लेना है। इलास्टिक की जो लेंथ थी वो 1 inch थी और जो इसकी विड्थ मैंने ली थी वो 10 inches थी। 10 inches हमने इसको कट किया था 2 pieces को, और इस तरीके से जो हमने नेफा बनाया है हमने इसके अंदर, तो इसके अंदर हमने इसको डाल देना है। तो इलास्टिक हमारा हो गया है। अब हमने इसकी दोनों तरफ से स्टिच लगा लेनी है ताकि हमारा इलास्टिक इधर उधर ना हो, निकले नहीं। और जो हमारा पैक वाला है हमने उसको भी, दूसरा पीस जो है हमारा, हमने उसको भी सेम इसी तरीके से कर लेना है। तो ये दोनों हमारे इस तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनके एक बीच में भी सिलाई लगा देनी है ताकि इलास्टिक हमारा मुड़े नहीं। तो इलास्टिक हमारे दोनों तरफ लग चुके हैं। अब हमने साइडों की इसकी सिलाई लगा के इसको बंद कर देना है। साइडों की सिलाई लग गई है। अब हमने इसके स्ट्रिप की सिलाई करनी है। स्ट्रिप को हमने डबल फोल्ड करना है और इसके एक साइड पे हमने स्टिच लगा लेनी है। किसी भी पेन की मदद से हमने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपने इस पे आयरन कर लेना है अच्छे से, और इसके दोनों साइड पे हम ये लेस लगाएंगे, यानी दोनों स्ट्रेप पे हमने लेस लगा लेनी है। इस साइड पे भी और उस साइड पे भी हमने इसको पूरे में लेस लगा देनी है। तरफ की लेस हो चुकी है, अब हम दूसरी तरफ भी लेस लगा लेंगे। तो ये हमारी दूसरी तरफ भी लेस रेडी हो चुकी है, और इन स्ट्रेप की लेंथ थी 9 inches। तो स्टिच करने के बाद ये 4 inches के रह जाएंगे। तो ये सबसे चौड़े थे क्योंकि, तो हमने इनको बिल्कुल किनारे से लगाना है जहाँ से हमने सिलाई बंद की थी, हमने इसको वहीं से स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको स्टिच लगा लेना है। दूसरा भी हमने इसी तरीके से रखना है और बिल्कुल किनारे पे जहाँ से हमने सिलाई बंद की थी साइड की, वहीं से हमने इसको लगा लेना है। और ये वाला भी हमने लगाना है, तो पहले हमने इसको पिनअप कर लेना है।
साइड हमारे जो स्ट्रेप हैं वो लग चुके हैं। हमने नीचे जो हमारा राउंड है नीचे, हमने वहाँ पे भी इसको यही लेस लगा देनी है। तो इस तरीके से ये 14 जिसको टोटल लेंथ है, तो ये हमारी फ्रॉक और या टॉप हमारा बन के रेडी हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।